हेलो, वेलकम। आज हम लोग देखेंगे एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, है ना। एड्रेसिंग, देर आर फाइव टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर, एंड द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर डिपेंड्स अपॉन इट्स ऑपरेंड, डिपेंड्स अपॉन इट्स ऑपरेंड, है ना। ऑपरेंड में डायरेक्टली डेटा दिया हुआ है, डायरेक्टली एड्रेस दिया हुआ है, इनडायरेक्टली एड्रेस दिया हुआ है, या ऑपरेंड है ही नहीं, या कोई रजिस्टर दिया हुआ है जिसमें डेटा है ना। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। फर्स्ट वन इज रजिस्टर एड्रेसिंग। रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या होता है कि एक रजिस्टर दिया होता है। जैसे ये देखिए, है ना, जैसे यहां पे लिखा हुआ है मूव आर डी कॉमा आर एस। ये सोर्स रजिस्टर है और ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है। देखिए, इसको बोलते हैं ऑपकोड, है ना। तो इस पर एड्रेसिंग मोड डिपेंड नहीं करता है। एड्रेसिंग मोड डिपेंड करता है ये बाद वाला जो है ना, इस पर। इसको बोलते हैं ऑपरेंड। इस पर डिपेंड करता है कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है। जैसे जो रजिस्टर एड्रेसिंग है ना, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जो है ये किसको कहते हैं। जैसे कोई रजिस्टर दिया हुआ हो, ऑपरेंड में कोई रजिस्टर दिया हुआ हो और इसमें डेटा दिया हुआ हो, है ना, तो इसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग। और इसमें होता क्या है, इसको बारे में आपको पता चलेगा कि ये इसका मतलब क्या है। मूव आर डी आर एस मतलब आपको जो डेटा आर एस में है वो आर डी में मूव कराना है आपको, है ना। मूव आर डी आर एस, तो ये इस तरह से, जैसे हम क्या कर सकते हैं यहां पे, मूव बी कॉमा ए। तो ये क्या होगा, ये जो बाद वाला है दैट इज द सोर्स रजिस्टर, एंड ये शुरू वाला है दैट इज डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो ए वाला डेटा बी में कॉपी होगा। ए का डेटा खत्म नहीं होगा, आर एस का डेटा खत्म नहीं होगा। तो इसमें ऑपरेशन क्या होता है कि आर डी में आर एस का डेटा चला होता है ना। तो इस तरह जिसमें कि एक ऑपरेंड में एक रजिस्टर दिया हुआ हो और उस रजिस्टर में डेटा दिया हुआ हो, उसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग। गॉट इट। ओके, एज फॉर एग्जांपल मूव आर डी कॉमा आर एस, है ना। इसी तरह से हम लोग और भी कर सकते हैं, है ना, जिसमें जैसे एड, है ना, बी, एड बी। तो एड बी में क्या होता है कि ए प्लस बी कहां स्टोर होता है, ए में। तो ये बी जो है ये आपका रजिस्टर है और ये रजिस्टर में डेटा दिया हुआ है, बी का डेटा प्लस ए का डेटा ऐड होगा। तो ये दिस एड बी इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ दिस रजिस्टर एड्रेसिंग। ओके, गुड। नाउ वील सी द नेक्स्ट, इमीडिएट एड्रेसिंग, है ना। तो इमीडिएट एड्रेसिंग में कुछ नहीं समझना, कुछ देखना नहीं है। अगर यहां पर ऑपरेंड में डायरेक्टली डेटा दिया हुआ है, 8 बीट का डेटा दिया हुआ है या 16 बीट का डेटा दिया हुआ है, डजंट मैटर, है ना। तो उसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। ऑपरेंड में अगर डायरेक्टली डेटा दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज इमीडिएट एड्रेसिंग। ओके, सो दिस एमबीआई 8 बिट डेटा इज द एग्जांपल ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग। ओके, इन दिस व्हाट विल बी द ऑपरेशन हियर इन दिस इंस्ट्रक्शन, दिस 8 बिट डेटा विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर डायरेक्टली। ओके, सो वेयर एवर यू विल सी द 8 बिट डेटा और 16 बिट डेटा इन द ऑपरेंड, यू विल डायरेक्टली से दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग। ओके,
द सेकेंड थिंग इट मे बी द केस दैट इन ऑपरेंड एड्रेस इज डायरेक्टली गिवेन. ओके, एड्रेस इज डायरेक्टली गिवेन इन द ऑपरेंड, है ना. तो इस तरह से यहां पे है इन 8-bit एड्रेस, पोर्ट एड्रेस होता है, एक्चुअल में 16-bit एड्रेस होता है, लेकिन ये इन जो है 8-bit पोर्ट एड्रेस, है ना. तो ये इन जो है दिस इज ऑप कोड, है ना. इसका ऑपरेंड में डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है. अगर ऑपरेंड में डायरेक्टली एड्रेस दिया हुआ है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग. कहीं पर भी आप देखिए 8-bit का एड्रेस हो, 16-bit का एड्रेस हो, जनरली 16-bit का एड्रेस होता है, लेकिन बिकॉज इन दिस केस दिस माइक्रोप्रोसेसर इज कम्युनिकेटिंग विथ इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस, दैट्स व्हाई दिस इन का कॉन्सेप्ट आया है. इसमें क्या होता है कि एक यहां पर पोर्ट होता है, है ना, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पोर्ट है, पोर्ट का कुछ एड्रेस होता है. लेट अस सपोज इसका एड्रेस है F6, एड्रेस क्या है F6, और इस एड्रेस पर इस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इसके इस एड्रेस पर जो डेटा है वो लेट अस सपोज आपका डेटा है F1, है ना. तो अगर आप ये चलाएंगे, है ना, लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं इन 8-bit पोर्ट एड्रेस. पोर्ट एड्रेस क्या है F6. तो इसमें क्या होगा, ए में वो डेटा आ जाएगा, ए में वो डेटा आ जाएगा जो इस पोर्ट एड्रेस पर होगा. तो इस पोर्ट एड्रेस पर ये डेटा क्या है, ये वाला F1, तो F1 आ जाएगा इसमें, है ना. तो अब ए में क्या कंटेंट आ गया, F1. तो जब भी हमें डायरेक्टली ऑपरेंड में 8-bit एड्रेस या 16-bit एड्रेस दिया हुआ है, आप सिंपली इतना याद रखिए कि ऑपरेंड में अगर डायरेक्टली एड्रेस दिया हुआ है, 8-bit हो 16-bit हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एड्रेस. ओके, नाउ ऑपरेंड मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पहला वाला है दैट इज ऑपकोड, और उसके बाद वाला जो चीज है दैट इज ऑपरेंड, है ना. इसके बाद होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि एड्रेस तो दिया हुआ है लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है. जैसे एड एम में ये क्या करेगा, ए प्लस एक और डेटा होगा. ये डेटा कहां होगा, ये उस एड्रेस पर होगा जहां पर HL पेयर में जो कंटेंट है 16-bit का, है ना, वो ये मेमोरी लोकेशन होगा कहीं, है ना, ये वाला एड्रेस यहां 16-bit का कहीं होगा, उसी में जो डेटा होगा वो यहां पर आएगा. तो यहां पर एड्रेस तो दिया हुआ है लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्टली दिया हुआ है. जैसे ही एम हम देखते हैं तो एम से हमको समझ जाना चाहिए कि ये इनडायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है और HL पेयर में जो भी अभी कंटेंट है वही एड्रेस है. एम जैसे ही देखेंगे तो हमको ये समझ जाना है कि HL पेयर का बात हो रहा है और HL पेयर में जो अभी कंटेंट है उस एड्रेस का बात हो रहा है, उस एड्रेस में जो कंटेंट है उसी के साथ जो कुछ होना है होना है. तो यहां पर क्योंकि ये मेमोरी है, इस मेमोरी का ये 16-bit एड्रेस जो भी HL वाला है, मान लो इस लोकेशन में है, तो इस एड्रेस पर जो रजिस्टर होगा उसमें जो डेटा होगा वो इसके साथ ऐड होगा एक्यूमुलेटर के साथ और फाइनली एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा. तो कहीं पर भी अगर एड्रेस दिया हुआ है लेकिन इनडायरेक्टली दिया हुआ है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. और इम्प्लिसिट जिसमें ऑपरेंड होता ही नहीं है, जिसमें ऑपरेंड होता ही नहीं है, सिर्फ ऑपकोड होता है, ये ऑपरेंड नहीं होगा तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग. इसका एग्जांपल है ना एनओपी, इसको बोलते हैं नो ऑपरेशन. एनओपी जो इंस्ट्रक्शन है 8085 माइक्रोप्रोसेसर का, इसका मतलब है नो ऑपरेशन. नो ऑपरेशन मतलब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इट इज यूज फॉर डिले पर्पस ओनली.
है ना, कुछ नहीं करेगा ये, जो डेटा है वही रहेगा, बस एक दो साइकिल तीन साइकिल जितना आप चाहते हैं डिले करा सकते हैं। नो ऑपरेशन मतलब एक क्लॉक पीरियड आपके डेटा को डिले कर दिया, एक और नो ऑपरेशन लगा दीजिए, एक और नो ऑपरेशन लगा दीजिए, तो कुछ नहीं होगा, वो डेटा आपका डिले होता रहेगा बस, है ना। तो इसमें इसीलिए इसमें कोई ऑपरेंड नहीं है, है ना, तो ये इम्प्लिसिट एड्रेसिंग है। हॉल्ट का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम को आपको रोक देना, टू स्टॉप हॉल्ट जो है ये भी एक इंस्ट्रक्शन है 8085 का माइक्रोप्रोसेसर का, और इसका मतलब होता है टू स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, टू स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वो रोक देगा। अगर बीच में कहीं पर भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और अगर हॉल्ट लिख दिया तो उसके आगे का कोई भी चीज रन नहीं होगा। इसीलिए लास्ट में कोई प्रोग्राम रन कर रहा है या आप कोड लिखते हैं तो लास्ट जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए दैट शुड बी हॉल्ट, कि आपका माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रोक दे। और अगर ये नहीं रोका आपने तो उसके नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ होगा सब पे एग्जीक्यूट करता चलेगा। प्रोग्राम को टर्मिनेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली अपना एक एक वैल्यू बढ़ाता रहता है और उसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जो कुछ भी है उसको एग्जीक्यूट कराता रहता है। तो आप जहां तक लिखे हैं वही आपके इंटरेस्ट का है, उसके नीचे भी हो सकता कुछ लिखा हुआ हो, है ना, तो वो आपके काम का नहीं है। इसलिए जहां तक आप लिखते हैं उसका लास्ट इंस्ट्रक्शन आप हॉल्ट जरूर दीजिए ताकि आपका प्रोग्राम वहीं पर रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा रजिस्टर एड्रेसिंग, जिसमें ऑपरेंड में एक रजिस्टर हो जिसमें एड्रेस दिया हुआ, डेटा दिया हुआ, है ना, ऑपरेंड में एक रजिस्टर हो जिसमें डायरेक्टली डेटा दिया हुआ हो उसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग। अगर ऑपरेंड में डायरेक्टली डेटा दिया हुआ है 8 बिट या 16 बिट इमीडिएट एड्रेसिंग, अगर इसके ऑपरेंड में डायरेक्टली एड्रेस दिया हुआ है 8 बिट या 16 बिट तो डायरेक्ट एड्रेसिंग, और अगर इनडायरेक्टली एड्रेस दिया हुआ है जैसे एड एम तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, और फाइनली ये इम्प्लीसिट जिसमें कोई ऑपरेंड होता ही नहीं है। आई थिंक आपको सारा चीज समझ में आया होगा, है ना। और इस तरह से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और प्रोग्रामिंग क्या हो सकता है इसमें, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, बहुत सारे आपको देखेंगे, आप देखने को मिलेगा अलग अलग तरह का इंस्ट्रक्शन देखेंगे, एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ टू गेट द लेटेस्ट वीडियो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।